हेलो फ्रेंड्स, गॉसिप टाउन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका। राजीव आदित्य, जी हां, ऐसी खबरें आ रही हैं कि बिग बॉस सीजन 16 के घर में राजीव लेने वाले हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री। लेकिन अब राजीव की एंट्री का पूरा सच लेकर मैं हाजिर हो चुकी हूं। आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि ये राजीव आदित्य वही है जो कि अब से कुछ दिनों पहले आपको खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में नजर आए थे। काफी अच्छा गेम राजीव खतरों के खिलाड़ी में खेलते दिखाई दिए थे और यहां तक कि उनका काफी अच्छा फैन फॉलोइंग एक ग्रुप भी बन चुका है। लेकिन अब इसी बीच सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है कि राजीव आदित्य को अप्रोच किया गया है बिग बॉस सीजन 16 में बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए। लेकिन अब राजीव ने बता दिया है इसकी पूरी सच्चाई। जब एक इंटरव्यू के दौरान राजीव आदित्य से सवाल किया गया, क्या मिस्टर आप अब आ रहे हैं बिग बॉस सीजन 7 में बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री, तो राजीव ने इस बात को सिरे से नकार दिया और उन्होंने पूरा क्लैरिफिकेशन देते हुए कह दिया कि अभी तक उन्हें कोई भी फोन कॉल नहीं आया है। यानी कि उनका कहने का मतलब था कि अभी तक राजीव को अप्रोच शो के लिए नहीं किया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहते हैं कि राजीव ने एक्साइटमेंट जताई है इस शो का हिस्सा बनने के लिए, लेकिन वो थोड़े से अपसेट भी दिखाई दिए क्योंकि अभी तक मेकर्स ने उनको नहीं किया है कोई भी फोन कॉल और नहीं किया है उन्हें अप्रोच। बहरहाल, अब क्या वाकई में आने वाले दिनों में मेकर्स राजीव आदित्य को करेंगे कॉन्टैक्ट, देखना होगा। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। इस वीडियो में इतना ही।